हेलो, वेलकम बैक टू द मैकेनिकल नॉलेज फ्रेंड्स। एंड आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग सीएनसी वीएमसी के बारे में पढ़ेंगे। सीएनसी वीएमसी जी कोड एंड एम कोड्स के ऊपर थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड रिट्रैक्ट पॉइंट एंड व्हाट इज क्यू जेड क्या है वो देखेंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, क्या है यहाँ पे, हम लोग आज रिट्रैक्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे और एक टूल किस तरह से वर्क करता है, कैसे काम करता है सीएनसी पे, वर्क पीस पे, कहाँ कौन सी पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन उसकी क्या मानी जाती है, हम कैसे उसे डिफाइन करते हैं, तो वो देखने वाले। जी कोड एम कोड पे थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग जो है अगले वीडियो में जी कोड्स एंड एम कोड्स पूरा स्पेशली एक वीडियो में पूरा का पूरा कोड ही होगा, तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पे जो है बात करूँ, मान के चलूँ कि जो हमारा जी कोड्स एम कोड्स है, अगर ये देखें, एक हम लोग टूल लेते हैं, यहाँ पे एक टूल है, ये टूल समझ के चलो, इसके जेड इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, जेड इसकी इनिशियल पोजीशन है। अभी एक वर्क पीस है, यहाँ पे एक वर्क पीस बनाया, ठीक है, वर्क पीस पे वर्क करेंगे, तो ये इसकी जेड पोजीशन है। अगर मैं बोलूँ कि ये टूल है जो थोड़ा सा मैं नीचे लेके आता हूँ इस पोजीशन पे, तो ये पोजीशन क्या है इसकी, हम रिट्रैक्ट पॉइंट की बात करें तो ये इसकी आर पोजीशन है, ये रिट्रैक्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे रिट्रैक्ट पॉइंट क्यों है, क्योंकि ये इसकी जेड पोजीशन है, ये इसका रिट्रैक्ट पॉइंट है, ठीक है। अभी जेड सपोज इसका डिस्टेंस ये वर्क पीस से मान के चलो 30 mm, और इसका डिस्टेंस मान के चलो कि 10 mm है, ठीक है। रिट्रैक्ट पॉइंट कौन सा पोजीशन होता है जहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो वर्क पीस है, यानी कि ये टूल अब इधर आया, यहाँ पे ड्रिल किया, ठीक है। ड्रिल करने के बाद अगर हम लोग प्रोग्राम में हम लोग ने G99 दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि रिट्रैक्ट पॉइंट में आने वाला है। अगर G98 दे होते तो वो जेड पोजीशन पे ही जाता है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, यानी कि जेड जो 30 पे दिया है, ये 30 पोजीशन पे आता है, लेकिन ये 10 पोजीशन पे आएगा, 10 mm की, क्योंकि हमने G99 प्रोग्राम में डाल रखा है। अभी रिट्रैक्ट पॉइंट का मतलब क्या है कि हमने सपोज़ कि यहाँ पे टूल आया, ठीक है, जेड पोजीशन से टूल आया, तो पहले आर पे रुका, फिर आर से वो ड्रिल किया, ठीक है। अब ड्रिल करने के बाद वो कहाँ जाके रुकेगा, अगर G99 दिया तो वो आर पोजीशन पे रुकेगा, यानी कि 10 mm ऊपर आके वो रुकेगा, फिर वो अगले पे जाएगा, फिर अगले पे वो ड्रिल शुरू करेगा, फिर से ड्रिलिंग करेगा। तो ये है रिट्रैक्ट पॉइंट का मतलब यहाँ पे, कि किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है with reference to retract point without changing their position, मतलब कि उसकी अपनी पोजिशन चेंज नहीं करो, retract point से ही तुरंत displace होके वो दूसरे तरफ जाके वहाँ पे drill कर रहा है, होल कर रहा है, ये है retract point का मतलब। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे क्यू क्या है, क्यू मैंने 1 mm, तो क्यू इज़ द डेप्थ ऑफ कट कितना ले रहा है, डीप ऑफ द कटिंग, मतलब कि ये ड्रिल है, ठीक है। अब यहीं पे समझते हैं कि ये यहाँ पे ड्रिल कर रहा है, तो क्यू की वैल्यू अगर हमने 1 mm दिया है, तो ये 1 mm कट करेगा, फिर ऊपर आएगा 10 mm पे, फिर 1 mm और कट करेगा, फिर ऊपर आएगा, फिर 1 mm कट करेगा, फिर ऊपर आएगा, तो ऐसे करते करते वो धीरे धीरे नीचे जाएगा। हालांकि इतना डिस्टेंस नहीं लेते जब हम ड्रिल करते हैं, क्यू की वैल्यू बहुत कम देते हैं, तो अगर आर की वैल्यू हमने 1 mm दी है, तो जस्ट ये टू वर्क पीस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, मतलब कि मैं मान के चलूँ कि ये वर्क पीस से कुछ इतनी दूरी पे ही रहेगा, ठीक है। अगर ये इतनी दूरी पे है, वर्क पीस से थोड़ा सा ऊपर रहेगा इस पोजीशन पे, ठीक है, आर की वैल्यू 1 mm, तो ये इसका मतलब कि ये 1 mm जो है वर्क पीस से थोड़ा सा ऊपर है, तो 1 mm हमने आर की वैल्यू 1 mm दिया, तो वापस से 1 mm उठ के रहेगा, बस थोड़ा सा ऊपर रहेगा। एंड क्यू की वैल्यू हमने 0.5 दिया, 0.5 mm, तो ये कटिंग करेगा 0.5, 1.5 mm ऊपर, 0.5, 2 mm ऊपर, 0.5, 2.5 mm ऊपर, 0.5, 3 mm ऊपर, समझ रहे हो किस तरीके से, बिल्कुल एकदम। तो ये है यहाँ पे क्यू का वैल्यू एंड आर का वैल्यू, आर का मतलब, क्यू का मतलब, एंड जेड का, ठीक है। तो अभी हम लोग जी कोड की यहाँ पे अगर बात करें थोड़ा सा, तो जी कोड क्या है, G00, G01, G02, G03, रैपिड मूव, यानी कि जो
टूल होगा हमारा, बिल्कुल एकदम रैपिडली आएगा, मूव करेगा उस पोजीशन पे आने के लिए जहाँ पे हमने उसकी एक्स की या वाई की वैल्यू दे रखी है उस पोजीशन पे। G01 इंटरपोलेशन लीनियरली, लीनियर इंटरपोलेशन यानी कि लीनियर मूव करेगा, लीनियरली मूव करेगा एकदम स्लोली फीड रेट दिया हो गया, RPM की स्पीड जितनी होगी तो उस हिसाब से वो मूव करने वाला है। G03 क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा और G0 काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमेगा, यानी स्पिंडल जो है, जो टूल होगा वो हमारा स्पिंडल वो काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है या फिर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो अगर इस डायरेक्शन में घूमें तो क्लॉक वाइज एंड इस डायरेक्शन में घूमें तो काउंटर क्लॉक वाइज हो गया। तो ये था कि हमारा क्या है इसमें जी कोड्स एंड की वैल्यू क्या है। तो और भी इसमें, लेकिन हम लोग अगले वीडियो में पूरा का पूरा जी कोड्स हम लोग पढ़ने वाले एंड एम कोड्स भी पूरे लेके चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू और एन क्यू की वैल्यू ये समझना यहाँ पे था कि क्या प्रोग्राम में किस तरीके से आर वैल्यू कैसे लेता है। प्रोग्राम में हम लोग G99 का यूज़ करते तब। एम कोड्स क्या है हमारा यहाँ पे, जी कोड्स क्या है, देखो जी कोड्स का मतलब क्या है कि जी कोड इस प्रिपरेटरी कोड होता है, प्रिपरेटरी कोड्स। एंड एम कोड्स क्या होता है हमारा, मिसलिनियस कोड, ठीक है। अभी एम कोड्स की अगर बात करो, M01, M02, M03, M05, ठीक है। M01 प्रोग्राम स्टॉप, ठीक है। M02 एंड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। M03 हमारा स्पिंडल कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिंडल मूव। M05 स्पिंडल रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज में घूमेगा। M08 से हमारा जो है कूलेंट ऑन, ठीक है। M09 से कूलेंट ऑफ, M13 प्रोग्राम स्टॉप एंड बैक टू द इनिशियल पोजीशन, ठीक है। मतलब प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप एंड रीस्टार्ट, ठीक है। एंड फ्लूड ऑन यानी कि फ्लूड के साथ हो जाएगा। M30 से प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा, तो प्रोग्राम स्टॉप। तो पूरा ये सब हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, किस तरीके से प्रोग्राम स्टॉप हो रहा है यहाँ पे, कैसा जी कोड क्या वर्किंग कर रहा है, जी एंड एम कोड क्या वर्किंग कर रहा है। तो समझ गए कि एम कोड क्या है हमारा, मिसलिनियस कोड होता है, जी कोड प्रिपरेटरी कोड होता है। प्रिपरेटरी कोड यानी कि जो प्री डिफाइंड कोड होते हैं मशीन के अंदर, तो ऑलरेडी फिट रहते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। एंड जी कोड हमारा, एम कोड जो होता है वो हम मशीन कोड होता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से हम कोई भी कोड्स लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। पर ये दोनों ही प्री डिफाइंड कोड्स ही है, मशीन के अंदर ऑलरेडी फिट रहते हैं, हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल वही कोड से, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे समझे, G73 जब हम यूज़ करते हैं तो क्यू का वैल्यू लेता है G73 पैक ड्रिलिंग। अब G73 जब हम लेते हैं तो G73 जब यूज़ करते हैं तो डेप्थ ऑफ कट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू आ जाता है। तो G73 हम यहाँ देते हैं तब क्यू का वैल्यू हम लोग वैल्यू रखते हैं। तो पैक ड्रिलिंग में बहुत तरीके की ड्रिलिंग है, बहुत तरीके के हमारी कैन साइकिल है वगैरह सब हम यूज़ देखने वाले अगले वीडियो में। तो ये था कि यहाँ पे आर का वैल्यू क्या है, किस तरीके से आर का वैल्यू जज होता है और कैसे हम लोग सेट करते हैं आर का वैल्यू और कैसे ड्रिलिंग पोजीशन होता है। अगर हमारा वर्कपीस में कोई बीच में ऑब्स्टेकल है इस तरीके का, तो आर का वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 4 होल ड्रिल करना है, तो आर का वैल्यू अगर 1 mm रखते हम लोग तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से डिस्प्लेस होता है डायरेक्टली, तो ये बीच में ऑब्स्टेकल है, तो थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए आर का वैल्यू ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, G98 में यूज़ होता है, G99 में हम लोग ज़्यादा प्रोग्राम यूज़ करते नहीं है। तो ये था कि किस तरीके से रिट्रैक्ट पॉइंट का यहाँ पे यूज़ है, किस तरीके से प्रोग्राम जी कोड्स का यूज़ है, एम कोड्स का यूज़ है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो keep join us and like the video. Thank you so much.